वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बारिश ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इस बार सितंबर महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सितंबर में बारिश ने 102 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून से सितंबर महीने तक औसत से 9% ज्यादा बारिश हुई है। मानसून में ज्यादा बारिश का आंकड़ा सिर्फ 1 पॉइंट से कम रह गया है। यूपी और बिहार में जंगल, जमीन, अस्पताल से लेकर जेल तक सब जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 6 साल में पहली बार इस मानसूनी सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। आमतौर पर सितंबर महीने में इतनी बारिश नहीं देखी जाती, ये मानसून के लौटने का वक्त होता है, लेकिन इस बार सितंबर महीने में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून देरी से लौट रहा है। मानसून 15 अक्टूबर तक लौट सकता है। 60 साल में पहली बार मानसून का देरी से लौटने का अनुमान है। 1960 के बाद ये पहली बार होगा कि मानसून इतनी देरी से विदा होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बार इतनी ज्यादा बारिश होने की कुछ वजहें हैं। पहली, अगस्त महीने से भूमध्य सागर पर सक्रिय एल नीनो, जिसने जुलाई से मानसून को रफ्तार दी है। इसी दौरान हिंद महासागर में भी एक मानसून को गति देने वाला एक सिस्टम सक्रिय हो गया। और दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम। मौसम विज्ञान के अनुसार मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में एक और लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसके अगले 10 दिन तक बने रहने की संभावना है। ऐसे में अगले 10 दिन तक यहां भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1901 के बाद ऐसा तीसरी बार हो रहा है। सितंबर महीने में एक दिन रहते 247.1 mm बारिश हो चुकी है। ये औसत बारिश से 48% ज्यादा है। 1983 में सितंबर महीने में 255.8 mm बारिश हुई थी। सोमवार की बारिश में इस रिकॉर्ड के टूटने की संभावना थी। बिहार और गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। 1901 के बाद 1917 में सितंबर महीने में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 1917 में सिर्फ सितंबर महीने में 285.6 mm बारिश हुई थी। इस बार मानसून शुरुआत से ही छका रहा है। पहली बात कि इस बार मानसून देरी से आया, उस पर जून महीने में बारिश में 33% की कमी रही। बिहार के जिन इलाकों में सितंबर के आखिरी हफ्ते में भारी बारिश हुई है, वहां जून महीने में काफी कम बारिश हुई है। मध्य बिहार के कुछ इलाकों में इतनी कम बारिश हुई है कि धान की रोपनी बमुश्किल हो पाई। आज वो इलाके पानी में डूब गए हैं। मानसून ने जाते जाते पूरे बिहार को अपनी आगोश में ले लिया है। मौसम से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।